नमस्कार। थर्ड ईयर के कोर्स का यह वीडियो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर डाला जा रहा है। भुगतान संतुलन अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि भुगतान संतुलन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है और यह किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जिन चीज़ों को हम आज अध्ययन करेंगे उनमें भुगतान संतुलन का अर्थ, संरचना, असाम्य और इस असाम्य को दूर करने के तरीके, इन विषयों को आज हम समझते हैं। किसी देश के नागरिकों के अन्य दूसरे देश के नागरिकों के साथ निश्चित समयावधि में हुए समस्त आर्थिक सौदों के लेखे जोखे को भुगतान संतुलन कहा जाता है। इसमें वस्तुओं के आयात निर्यात के अतिरिक्त अन्य मदें जैसे पूंजी का आदान प्रदान, ब्याज का भुगतान, प्राप्ति, जहाज सेवाएं, पर्यटक सेवाएं, विशेषज्ञों की सेवाएं सभी सम्मिलित होते हैं। यदि हम अर्थ की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से भुगतान संतुलन की अनेक अर्थशास्त्रियों के द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं। किंडल बर्जर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने यह माना कि किसी देश का भुगतान संतुलन उस देश के नागरिकों तथा विदेशी देश के निवासियों के मध्य समयावधि में होने वाले समस्त आर्थिक लेन देन का क्रमबद्ध ब्यौरा होता है। IMF के अनुसार यह उस निश्चित अवधि में संबंधित देशों के नागरिकों के बीच समस्त आर्थिक लेन देन का क्रमबद्ध विवरण होता है। इस प्रकार सभी लोगों की परिभाषाओं से जो एक उचित परिभाषा हमारे सामने आती है वो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि भुगतान संतुलन आर्थिक सौदे में ही संबंधित होती है, और क्योंकि ये आर्थिक सौदे ही इसमें सम्मिलित किए जाते हैं तो इनमें एक देश और दूसरे देश दोनों के ही भुगतान और प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। भुगतान संतुलन की गहन अध्ययन करने के लिए हमको व्यापार संतुलन को समझना भी आवश्यक होता है। अब व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि में एक देश के निर्यातों एवं आयातों के मूल्यों का अंतर होता है। यहाँ पर व्यापार संतुलन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कुल निर्यात और कुल आयात का अंतर हम व्यापार संतुलन के रूप में मानते हैं। तो यदि हम व्यापार संतुलन को B और निर्यातों को X तथा आयातों को M कहें और किसी वर्ष विशेष को T की संख्या दें तो BT = XT - MT होगा, अर्थात व्यापार संतुलन बराबर कुल निर्यात माइनस कुल आयात होगा। यह अनुकूल और प्रतिकूल हो सकता है। यदि निर्यात अधिक और आयात कम होंगे तो अनुकूल व्यापार संतुलन होगा, निर्यातों की तुलना में आयात अधिक होंगे तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन होगा, तथा निर्यात और आयात दोनों समान होने पर व्यापार संतुलन साम्य की स्थिति में होगा। किंतु भुगतान संतुलन की संरचना भिन्न प्रकार की होती है।
भुगतान संतुलन की संरचना में अलग अलग मदों की प्रविष्टियों के लिए दो प्रकार के खाते होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाते की प्रविष्टियाँ तीन मदों की होती हैं, वस्तुएं, सेवाएं और उपहार या भेंट। पूंजी खाते की प्रविष्टियाँ के अंतर्गत चार प्रकार की प्रविष्टियाँ होती हैं, निजी खातों का शेष भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबद्ध भुगतान एवं प्राप्तियाँ, स्वर्ण का हस्तांतरण, और चौथा है सरकारी खातों का शेष भुगतान। इस प्रकार चालू खाते और पूंजी खाते दोनों में ही भुगतान संतुलन को देखा जाता है। भुगतान संतुलन की विभिन्न मदों में जब हम इसको समझते हैं तो एक ओर क्रेडिट्स होंगे जो कि हमारी प्राप्तियों या लेनदारियों को बताएगा, और दूसरी तरफ डेबिट्स होंगे जो हमारे भुगतानों या देनदारी पक्ष को बताता है। लेनदारियों में हमारे निर्यात, हमारी विदेशी ऋणों पर प्राप्त ब्याज, विदेशी विनियोगों की वापसी, विदेशी पर्यटकों एवं छात्रों पर होने वाले व्यय, विदेशी सरकारों द्वारा देश में व्यय, देश में जनसंख्या के आप्रवासन से प्राप्त होने वाला धन, और विभिन्न प्रकार के उपहार, दान, मुआवजे इत्यादि इसमें शामिल किए जाते हैं। जबकि देनदारी के पक्ष में आयात, विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर किए गए व्यय, विदेशियों से प्राप्त धन पर ब्याज का भुगतान, विदेशी विनियोगों के लाभांश की वापसी, देश में पर्यटकों एवं छात्रों द्वारा विदेशों में व्यय, सरकारों द्वारा विदेशों में व्यय, जनसंख्या के उत्प्रवास से विदेशों को किया जाने वाला भुगतान, विदेशियों को दिया जाने वाला मुआवजा या उपहार, दान इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। यदि हम हमारे देश में भुगतान संतुलन की स्थिति को देखें तो हम पाएंगे कि भारत का भुगतान संतुलन बहुत काल से असाम्य की स्थिति में है। उसके कोई भी कारण हो, चाहे हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर आगे बढ़ाना हो, चाहे हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या हो, या हमारा बढ़ता हुआ विदेशी वस्तुओं के प्रति मोह हो, किसी भी प्रकार के कारण हो सकते हैं, लेकिन भारत का भुगतान असंतुलन बहुत लंबे समय से असाम्य की स्थिति में चल रहा है। और यह तब माना जाता है जब कुल देय एवं कुल राशियां, कुल जमा की जो राशियां हैं वे घाटे की स्थिति में होती हैं। दोहरी प्रविष्टियों पर आधारित भुगतान संतुलन लेखे को देखकर यह धारणा होना स्वाभाविक होता है कि इनको पूर्ण संतुलन में रखने के कारण भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। परंतु जब कभी हम भुगतान संतुलन में असाम्य की बात करते हैं तो केवल चालू खाते में बचत या घाटे को देखते हैं। चालू खाते की बाकी देश की बाहरी प्राप्तियों व देय राशियों के अंतर को व्यक्त करती है। भुगतान संतुलन में असाम्य को मुख्य रूप से पांच श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, चक्रीय असंतुलन, चिरकालिक असंतुलन, संरचनात्मक असंतुलन, अस्थाई असंतुलन, स्थाई असंतुलन। ये सारे प्रकार के असंतुलन पाए जाते हैं। इन सभी असंतुलनों के कारण विकास और विनियोग
की वृद्धि होते हैं। धीरे धीरे जब देश विकसित होता है तो विनियोगों को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होना ज़रूरी होता है, जब हमें दूसरे देशों से मदद की आवश्यकता पड़ती है। चक्रीय उच्चावचन व्यापार चक्रों के फलस्वरूप विभिन्न देशों में चक्रीय उच्चावचन होते हैं, जिनकी अवस्थाएं विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती हैं। इस प्रकार के चक्रीय उच्चावचन भी भुगतान संतुलन के असाम्य को उत्पन्न करते हैं। आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव। विकासशील देशों में आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के आय प्रभाव एवं कीमतों के प्रभाव बाजार पर पड़ते रहते हैं। बाजार के इन उच्चावचनों से भुगतान संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार विकसित देश जब आयातों पर प्रतिबंध लगा देते हैं तब बहुत ही इस प्रकार विकसित देशों के द्वारा आयात पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण अल्पविकसित राष्ट्रों में भुगतान साम्य बदल जाता है। निर्यातों की मांग में होने वाले परिवर्तन, तीव्र जनसंख्या में वृद्धि दर और जनसंख्या की जब वृद्धि दर तीव्र हो जाती है तो आयात अधिक और निर्यात कम हो जाते हैं। ऐसे में भुगतान संतुलन असाम्य की स्थिति में हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का बढ़ना, विनियोगों का बढ़ना तथा अल्पविकसित राष्ट्रों में प्रदर्शन प्रभाव के कारण इन राष्ट्रों में पाश्चात्य की तड़क भड़क को अपनाने की जो प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से पाई जाती है तो वे विदेशों से आयात बढ़ा लेते हैं। विदेशों से बढ़े हुए आयातों के कारण भुगतान संतुलन असाम्य की स्थिति में हो जाता है। इस असाम्य को ठीक करने के लिए जिन उपायों को अपनाया जाता है वे दो प्रकार के हो सकते हैं, मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक। जब गैर मौद्रिक उपायों की बात आती है तो आयातों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं या अभ्यंश स्थापित कर दिए जाते हैं। इम्पोर्ट पर एक तरह की कोटा फिक्स कर दिया जाता है। अतिरिक्त प्रशुल्क लगाकर आयातों को हतोत्साहित किया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम मनाए जाते हैं। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के कार्यक्रम बनाए जाते हैं। विदेशी पूंजी तथा विनियोग को हतोत्साहित। मौद्रिक उपायों में मुद्रा का संकुचन, विनिमय नियंत्रण, अवमूल्यन और विनिमय मूल्य ह्रास, इन उपायों को अपनाकर कोई भी राष्ट्र अपनी भुगतान संतुलन के असाम्य को ठीक कर सकता है। भुगतान संतुलन के असाम्य को ठीक करना किसी भी देश के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि लंबे समय तक भुगतान संतुलन का असाम्य राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए चाहे वह चालू खाता हो या बचत खाता हो, दोनों में ही इस प्रकार गैर मौद्रिक उपायों को अधिक व्यावहारिक एवं उपयुक्त माना जाता है। धन्यवाद।